माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करती हूं। आप जो पढ़े हैं, आप अपना विचार भी रखें, संकल्प भी पढ़े। ये सदन संकल्प करता है कि राज्य सरकार जन सहयोग से संचालित गौशालाओं के लिए जमीन किसी भी किस्म की हो उसका रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्री तहसील स्तर पर करने का प्रावधान करें। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय एक हमारे भारत देश में जिस तरह से देवी देवता पूजे जाते हैं उसी श्रेणी में गाय माता का दर्जा आता है। ये पेड़ पौधे इंसान नदी ना होती तो ये प्रकृति ना होती, पूजा पठन पालन में गाय ना होती तो ये सब जगह चर्चा ना होती। अध्यक्ष महोदय, गाय और किसान का भी एक बहुत गहरा रिश्ता है। गो शब्द का और गाय शब्द का प्रयोग हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, महाभारत, सभी जगह इसके अनेकों अर्थ अपने अपने विचार से हो सकते हैं, लेकिन प्रयोग हुआ है। और गो शब्द का प्रयोग एक तरह से इंद्रियों के लिए भी माना गया है और गोदान को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पहले के राजा महाराजाओं, चाहे राम जन्म के अवसर पर हों, तो गाय भूमि और धन धान दान में दिए जाते थे और ये दान ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना गया है। कई स्मृतियों में ये भी लिखा गया है कि गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी को पार करने का विधान भी है। ये हमारे भारत देश की एक विश्वास का विधान है। ग्यारस का उजमन करते हैं तो गाय माता की पूजा की जाती है, गाय दान में दी जाती है। गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, निवास माना गया है। और आज भी ये रिवाज है और रीति भी है कि घर में खाना बनने पर पहली रोटी गाय माता को दी जाती है। कल जैसे हरियाली अमावस्या थी तो हमने भी कई जगह देखा कि लोग गाय को ढूंढ रहे हैं गाड़ियों में बैठ के और गाय को रोटियां देने के लिए जा रहे हैं। चाहे 16 दिन के श्राद्ध हो तो पहला भोजन, पहली थाली जो सजाई जाती है वो गाय के लिए ही दी जाती है। ये हमारी भारत देश की संस्कृति है, रीति रिवाज है। ये किसी ने हमारे ऊपर थोपे नहीं है, ये हमारी एक भावना है, भारत देशवासियों की एक भावना है। चाहे गुरु बृहस्पति का व्रत किया जाता है, इस बात का है कि गोपालन मंत्री, उन्होंने उचित नहीं समझा कि वो सदन में रहे। मेरी प्रार्थना है विषय की गंभीरता देखते हुए आप निर्देश प्रदान करें, उनको बुलवाइए आप। सभापति महोदय, वो सभापति महोदय बैठे हैं, सब लोग सुन, गोपालन मंत्री जी बैठे हैं, गौरी नहीं की, आप गायों के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं यहाँ पर। विशेषज्ञ की बात नहीं सभापति महोदय, मैंने अगर बुनियादी सवाल खड़ा किया, अगर यही रखना है इस गैर सरकार सरकारी सरकार विराजमान है रिलेटेड है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य, ये जो विषय है वो राजस्व के संदर्भ में, गोपालन का मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, उप नेता प्रतिपक्ष ने जो अपनी चिंता जाहिर की है, ये विषय राजस्व के संदर्भ में है, गाय के जमीन के संदर्भ में, तो मैं आप लोगों की सेवा में आपके आदेशों का अनुसरण करने के लिए हाजिर हूँ सदन के। मान्य मेरे में कोई कमी पेशी निकले तो आप मुझे आदेश करो, उसको मैं सुधार कर और वापस आप लोगों के बीच में आऊंगा, इतना विश्वास रखो। माननीय सभापति महोदय, इतने अनुभवी
सदस्य राजस्व का है या गौ माता का है? विराजिए, आपसे कम अनुभव, आप विराजिए। गाय के घर में रखने से, पालने से और पूजा करने से, और आजकल तो वर्तमान में भी वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये दर्शाया गया है कि गाय के साथ रहने से अनेकों रोगों का निर्धारण होता है। ऐसा है, मंत्री जी क्या कह रहे थे क्या नहीं कह रहे थे, आप अपने दिमाग को काम में लें तो ज्यादा अच्छा होगा माननीय सदस्य। जो भी बोला थे। आप अपने बुद्धि से क्या काम लेते हैं, गाय का कितना सम्मान करते हैं? ये लिस्ट दिए हुए हैं। बीच में बोलने से डिस्टर्ब करने का शौक है आपको ज्यादा? इसका मतलब दारीवाल जी का दिमाग ठीक नहीं था क्या? माननीय सदस्य बिराजी, पिछले जन्म में चूहे थे क्या, फुदक रहे बार बार? जानवर कहा है, तुम्हें जानना चाह रहा हूँ क्या धारीवाल जी का दिमाग ठीक है या नहीं है? ध्यान रखे, प्रश्नकाल नहीं है ये, मैं पूछना चाहता हूँ, हर बात पे मैं पूछना चाहता हूँ। आप अपनी बात रखें। नहीं पता कि प्रश्नकाल है क्या है। आप उनसे वाद-विवाद के बजाय अपनी बात रखें। आप मैं बात ही रखूंगी सभापति महोदय, किसी का अंकित नहीं होगा। जैसे ही गाय का नाम आता है, सभापति महोदय, हमारे विपक्षी भाई ऐसे बोलना शुरू करेंगे जैसे कि इन्होंने कॉन्टैक्ट ले रखा हो कि गाय तो हम ही पूजते हैं, कि कोई स्टाम्प पे लिख के इनके मोहर नहीं लगी हुई है। कभी ऐसा नहीं हो कि ये मोहर लगा के नहीं चलना शुरू कर दें थोड़े बहुत दिन में। और इनके काल में सभापति महोदय स्थगन के जरिए, 295 के जरिए सदन में प्रश्न के माध्यम से, मैंने हर एक बार ये 5 साल तक प्रश्न किया, लेकिन एक भी बात पर कोई सही जवाब नहीं दिया गया। सभापति महोदय, हिंगोनिया का इनके काल में हिंगोनिया गौशाला में सैकड़ों गाय, सभापति महोदय सैकड़ों गाय मरी, और उन्हीं का पाप है कि ये वहां बैठ गए सभापति महोदय। और वैसे बड़े बड़े भाषण दे देंगे, भाइयों बहनों गाय हमारी माता है, और मैं जानना चाहती हूं कि शायद ये अपनी संस्कृति को नहीं भूल जाए कि एक तो जन्म देने वाली माँ होती है, एक जन्म देने वाली माँ होती है और गाय माता होती है। जब कभी उदाहरण दिया जाता है धरती पर, गंभीरता बरते हैं, तो ये उदाहरण दिया जाता है, कहा जाता है। संकल्प शब्द का अर्थ ये है कि आप संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प पे भी यदि आप गंभीर नहीं है फिर क्या उचित है आपका हमारे यहाँ बैठने का? संकल्प शब्द गंभीर है, उस शब्द की आप गंभीरता समझिए, किस विषय पर हो रही है इससे मतलब नहीं है। संकल्प शब्द जो है वो गंभीरता क्या आपसे अपेक्षा करता है कि आप गंभीर हैं और विषय पे आप संकल्प ले रहे हैं। सभापति महोदय, इनका ये शुरू से ये काम रहता है, कोई भी जब भी बोलता है तो टोकना कि वो भटक जाए। आप अपनी बात करें, इनकी ज्यादा भलाई नहीं करे, इनके जो किए हुए कर्म है उनको नहीं उखाड़े, इसलिए आपकी सलाह के बजाय आप अपनी बात सभापति महोदय तो अच्छा रहेगा। पिछले 5 साल में एक भी गौशाला का इन्होंने कोई भला नहीं करा, और आंकड़ों में अगर बजट देखें तो आंकड़ों में पता नहीं कितनी गौशाला गिना देंगे, कितने ही जिले गिना देंगे, कितनी तहसीलें गिना देंगे, सिर्फ और सिर्फ पिछली सरकार ने आंकड़ों में किया काम। सभापति महोदय, धरती पे कोई काम नहीं किया गया। कहावतें चली आती हैं कि माँ के दूध का कर चुकाओ, बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी कड़ी में
उस माँ ने इस धरती पे पैदा होने वाले इंसान को समाप्त करना है। 9 महीने अपने खून से सींचती है माँ, लेकिन आज की संस्कृति, आज का इंसान और गौ माता का दूध पीकर पालन पोषण होता है, लेकिन भूलता जा रहा है इंसान। इंसान के पास चाहे किसी भी पद पे हो, चाहे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, सभापति महोदय अपनी माँ का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं भारतीय संस्कृति में। अपनी माँ के पास क्या 10 मिनट के लिए बात करने का समय है इंसान के पास? जिस माँ ने आपको दूध पिलाया, आपके पैर के अंगूठे को चूमा था मुंह से, उस माँ के लिए इंसानों के पास, बच्चों के पास, बेटे बेटियों के पास समय नहीं है। मोबाइल में खेलने के लिए समय है। माँ का आशीर्वाद ही है जो आपको अच्छाई सिखाता है, बुराई से बचाता है। सभापति महोदय, उसी कड़ी में पहले देखते थे हम, कई बार गाय लेके कई महात्मा जाते कि आशीर्वाद ले लो, मन की इच्छा पूरी कर लो, और वो गाय ऐसे गर्दन हिलाती थी। इंसान का चरणों में झुकना, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। गाय माता के चरणों में झुकें, अपनी जन्म देने वाली माँ के चरणों में झुकें, अपनी दादी माँ के चरणों में झुकें, ये प्राचीन काल से ग्रंथों में लिखा हुआ है सभापति महोदय। लेकिन आज का इंसान भाग दौड़ में, अपने स्वार्थ में माँ को और गाय माता को भूलता जा रहा है सभापति महोदय। ये हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं थी। गाय माँ का दूध भी अपनी माँ के दूध के समान ही हल्का होता है। जब भगवान राम आश्रम में गए तो उन्हें ऋषि वशिष्ठ जी ने गाय चराने के लिए भेजा था। संतान थी, क्यों भेजा था? कि उनके अंदर कर्म के भाव पैदा हो, उनके अंदर आशीर्वाद के, झुकने के, कर्म करने का भाव पैदा हो, इसलिए उन्हें शिक्षा दीक्षा दी गई, तो साथ साथ ये कर्म और ये भाव भी सिखाए गए। सभापति महोदय, गाय के चाहे गोबर हो, मूत्र हो, उनसे अनेकों दवाएं बनाई जाती हैं, अनेकों रोगों में काम आता है। धूप अगरबत्तियां बनाई जाती हैं, जिससे 2 मिनट में समाप्त करें सभापति महोदय। अभी तो मेरा तो मूल मिनट में समाप्त कहा गया कि आप इन्होंने सभापति महोदय, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो गौशालाएं सभापति महोदय जन सहयोग से चलाई जाती हैं, चाहे मेरे बांसूर में है, महनपुर है, मुंडावरा है, रामपुर है, हरसोरा है, नीमूचाणा है, नारायणपुर है, और एक भैरोड़ में कुड़ी ऋषि के नाम से गौशाला चलाई जाती है, सभापति महोदय वो गौशालाएं तो चल रही हैं, उन गौशालाओं को हटाएंगे भी नहीं, क्योंकि हजारों की संख्या में उन गौशालाओं में गाय हैं, उन्हें कोई हटाने वाला भी नहीं है, रखेंगे भी। लेकिन उन गायों के जो गौशाला है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। पिछले पूरे 5 साल हमने ऑफिसों के चक्कर लगाए सभापति महोदय। अगर आज जो जन सहयोग से गाय वहां इकट्ठी करके गौशालाओं में रखी जाती हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो गांव में एक भी किसान के फसल पैदा नहीं होगी सभापति महोदय। ये बहुत गंभीर विषय है। और अपनी फसल पैदा नहीं कर पाएगा किसान अगर इस तरीके का हो गया तो क्यों नहीं सरकार ये बजट
जो दिया जाता है, हम भी वहां बजट नहीं दे सकते विधायक कोटे से, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के लिए तहसील स्तर पर ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे कि उसको जयपुर तक के चक्कर नहीं काटने पड़े सभापति महोदय। और जमीन किसी भी किस्म की हो, बंजर हो, नदी की हो, नाले की हो, गोचर हो, तालाब हो, पहाड़ हो, सिवाय चको कस्टोडियन हो, अगर कोई बड़ी कंपनी विदेशी आती है और कंपनी लगाना चाहता है तो उस कंपनी लगाने के लिए रास्ते भी बन जाते हैं, जमीन की किस्म भी बदल जाती है सभापति महोदय। तो क्यों नहीं हमारी चलती हुई गौशालाओं के लिए ऐसा कानून बने जो इन जमीनों का वहीं तहसील स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो सके, जिससे कि ये सुव्यवस्था हो जाए और हमारा जो फंड है वो भी वहां पर लग सके। सिर्फ इसके लिए ये नहीं कि जयपुर तक इंसानों को, गांव वालों को चक्कर काटने पड़े सभापति महोदय, मेरा पूरा विषय था। समाप्त करें, मानी से समाप्त करें। एक हिंगोनिया गौशाला के बगल में पिछली सरकार ने एक व्यवस्था कर दी थी कि उसके बगल में ही उनको दफनाया जाए, तो वहां बहुत बुरी हालत हो रही है सभापति महोदय, उसको चेक कराया जाए जिससे कि वहां अव्यवस्था नहीं हो सभापति महोदय, और इनका रजिस्ट्रेशन सभी गौशालाओं का कराने का कष्ट करें। विराजी श्री राजेंद्र राठौर, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं आसन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़े लंबे अंतराल के बाद गैर सरकारी संकल्प के रूप में आपने समय दिया। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूँगा सदन को भी, कई ऐसे मौके होते हैं, हम अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं, हमारी नीति अलग हो सकती है, रीति नदर अलग हो सकती है, पर जिस दिन गैर सरकारी दिवस हो, गैर सरकारी संकल्प हो, संकल्प पूरे सदन के लिए होता है। इसलिए मुझे अफसोस इस बात का है कि बानसूर से आने वाली मान्य सदस्य ने जब अपना यह संकल्प रखा, जिसमें मूल रूप से मेरा संशोधन जो मैंने मूव किया, इन्हीं के उस संकल्प के समर्थन के साथ मैंने कहा कि तहसील स्तर के पश्चात निश्चय करने के से पूर्व अभिव्यक्ति राशि 100 रुपये के स्टांग स्टूल पर अंतर स्थापित की जाए। मैंने इन्हीं के संकल्प के साथ अपनी भावना को व्यक्त किया है। सभापति महोदय, निश्चित तौर पर आज पहली बार बानसूर से आने वाली मान्य सदस्य ने गाय की व्याख्या की, धार्मिक आधार पर व्याख्या की, रामायण के अध्यायों को लेना चाहूँगा सत्ता पक्ष के मान्य सदस्यों को और विशेष तौर पर संसदीय कार्य मंत्री को कि कम से कम आज एक साध्वी के रूप में जो प्रवचन बानसूर से आने वाली मान्य सदस्य ने दिए उन सारे प्रवचनों को सुनने के पश्चात आप अपने उस मूल अवधारणा के अंदर गाय को आपने जानवर कहकर एक हमारी संस्कृति को अपमानित किया, उससे तो दूर होंगे। सभापति महोदय, सावरकर की पुस्तक का उल्लेख किया उन्होंने, आप वीर सावरकर उस पर कुछ कहना तो बोलो, सावरकर की किताब का उल्लेख था वो, सावरकर जी ने कहा वही बात उन्होंने बोली है। आप अपने पाप तो भुगतना नहीं चाहते, आपने किए पाप मानना टांग अड़ाएंगे क्या, बोल दो, बता दो वीर सावरकर जी ने कहा, सुन लो, जवाब छोड़िए, आप सुनिए उनका, अब उनका नाम है सभापति महोदय, आपने जलानी माता के लिए संकल्प लेकर आए कांग्रेस, सदन की कार्रवाई में लिखा हुआ है उन्होंने गौ माता को जानवर कहकर, और उस समय कहा था उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। अभी क्लियर हो जाएगा अभी माननीय मंत्री महोदय नहीं, आपके लौंडा जी जवाब दे, मंत्री जवाब दे देंगे जब देना है। और मेरे सभापति महोदय, मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं, और मेरे पोजीशन में और मेरे पोजीशन में मुझे मेरी बात कहने का अधिकार आसन ने दे रखा है, कहना चाह रहे हैं, एक मिनट विराज जी, ये दाल भात में मुसल चंद कहां से खड़े हो गए। डिमांड्स के ऊपर जब यूडीएच और एलएसजी की डिमांड थी तो जो कुछ मेरे द्वारा कहा गया वो सावरकर की किताब को कोट करते हुए क्या गया, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा, किताब के संदर्भ में कही गई है, किताब में किसी संदर्भ में कहा गया, संदर्भ को टेबल कराइए, आपकी भावना है, इस किताब को टेबल कराइए, पता चलेगा, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी किताबों में से लेकर आए, कितना झूठ बोला, कोई ना कोई विवादित शब्द बोला।
विवादित शब्द बोलना और कहना उसको उस विचार से दिया। अन्य सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, किताब को मंगवा के टेबल करवा लो, पता लग जाएगा। उस किताब को मंगवा के टेबल करवाओ आप। तो सभापति महोदय, पढ़ेंगी, रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप मेरी रिकॉर्डिंग निकलवा करके देख लीजिए। और रिकॉर्डिंग में अगर जो है मैंने पूरा का पूरा जो कुछ सावरकर साहब ने कहा वो अगर उसके अलावा एक आप गो माता जी को जानवर मानते हो या माता मानते, बताओ। पूजा नहीं करने देना चाहते उनकी, बोलने दीजिए। आप क्या बनाना चाहते हो? आप नहीं मानते, आप क्या बनाना चाहते हो? माहौल बनाने की आदत मंत्री जी बोला था पैरों पर गिरा दिया। पति महोदय, कितनी होगा की आदत पड़ गई बार बार। मंत्री बोले क्या बनाना चाहिए? ये तो बताओ, गुरु के भी गुरु थे, अगर उनकी भी बात नहीं मानते हो ना तो फिर तो शर्म करो। माननीय मंत्री महोदय, ये धारीवाल जी को क्या धमकी दे रहे हैं? सभापति महोदय, दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है इस देश का, क्या धमकी दे रहे हैं बार बार? ये जानवर को क्या बनाना चाहते हैं? आप बिराजिए, क्या धमकी दे रहे हैं? आसन पैरों पर बिराजिए। शब्दों की कोई गंभीरता नहीं, संकल्प शब्द के साथ आप गाय का आप चर्चा कर रहे हैं और ये गंभीरता है आपकी। मुझे खेद है इस बात का कि संकल्प जैसे शब्द के बाद में मैं राठौर साहब आपकी बात से सहमत हूं। संकल्प जो है सबके लिए है और जिस विषय पर अपन संकल्प ले रहे हैं हम सब उससे जो है जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है। फिर ये क्या अर्थ है? मैं अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से बार बार नहीं कहना पड़े। माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको। बिराजी, आप बिराजी, ये उत्तेजना पैदा करने की जरूरत नहीं है। यदि आप ये मानते कि संकल्प पूरा हो गया तो मैं दूसरा लेता हूं, वरना ऐसे नहीं चलने दूंगा मैं। माननीय श्री राजेंद्र राठौर, कोई बीच में इंटरव्यू नहीं करेगा आप? सभापति महोदय, मारे सिर बिराजी, आप चुप रहिए। सभापति महोदय, हद से बाहर निकल रहे हो बिराजी। कोई अंकित नहीं होगा मानसी राजेंद्र राठौर का, अंकित होगा किसी का अंकित नहीं होगा। मानसी बिराजी, आप गलत बात बोल करके आप पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। इससे वो करिए, बहुत गुमराह कर रहे हो आप। घर पर बात करने के कह रहे साध भी हो, साधु बना रहे हैं, हम तो गृहस्थ हैं, गृह लक्ष्मी है, साधु नहीं है। बिराजी बिराजी, सभापति महोदय, मैं कभी भी इस प्रकार की डिबेट नहीं नहीं मुझे मुझे विकल्प सारे सदन का होता है और हम की करते हैं। आपसे कर नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा नाम लेकर मेरा पद लेकर के ये बोले हैं। अब मैं कहां बीच में आ रहा था, गाय के बीच में आ रहा था यहाँ पर। हर जगह गाय गाय। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अब तक जो हुआ जब जागो तब सवेरा, अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आगे से आप गंभीरता बरते हैं, विषय गंभीर है और कोई किसी पर आक्षेप नहीं लगाएगा। बात सीधी संकल्प पे होगी, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होगी। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सब सहयोग करेंगे। प्लीज सभापति महोदय, प्लीज प्लीज आप मंत्री आदमी बोल रहे हैं, अलाउ नहीं करूंगा मैं। क्या तरीका ये संकल्प की? प्लीज गंभीरता है, भानपुर से आने वाली माननीय सदस्यों को साध्वी बोला इन्होंने, आप सहयोग करें। गंभीरता क्या सदन में? अंकित मत करो, सुनो तो सही। नहीं कर रहा हूँ, सहयोग करिए आप। कितने क्या हाथ धरते क्यों उनसे? मेरे सभा नहीं कर रहा हूँ मैं। कमाल मंत्री बोले, प्लीज सहयोग करिए श्री राजेंद्र राठौर। सभापति महोदय आपसे पुनः अपेक्षा करता है, आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करता है। अनुस जाति के लोग नहीं जाएंगे आज के बाद में? बिराजी, मैं अलाउ नहीं। गाय माता की डेथ होती है बिराजी, तो दफनाने के लिए ऐसी के लोग क्यों जाते हैं फिर? बिराजी, अंकित नहीं हो रहा है। मेरा पुनः आप सबसे आग्रह है, अनुरोध है, आप सब माननीय सदस्य हैं,
आसन आपसे अपेक्षा करते हैं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उस पर गंभीरता से चर्चा करें। मैं पुनः आपसे अपेक्षा करता हूं, कोई बीच में इंटरव्यू नहीं करेगा। मनीष राजेंद्र राठौर सभापति महोदय, मनीष अलाउ नहीं कराऊं मैं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, अलाउ नहीं करूंगा। कैसे कहा आपने? बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। एक्सपंज करो, एक्सपंज करिए आप, एक्सपंज करिए उसको, अलाउ नहीं करूंगा मैं। क्या मतलब है? शादी कैसे कर दिया? शादी कैसे कर दिया? पीछे क्या है? शादी 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 तो अच्छी बात है, बिना शादी तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपंज करिए आप, एक्सपंज करिए आप। बात जो आपकी आदत है, कुछ नहीं बनाया आपको। आइए डिस्टर्ब करें सदन को बारंबार, सदन को डिस्टर्ब करते हैं। परंपरा आप इनको प्रताड़ना दीजिए माननीय सभापति जी। हर बात आप आसन पे जाइए, आसन पे जाइए, आसन पे जाइए। प्लीज प्लीज सेव करिए, प्लीज सेव करिए। आप जाइए, आप जाइए, जाइए आसन पे जाइए, आसन पे जाइए। आप प्लीज सेव करिए, रोज फालतू की बात। माने राजेंद्र राठौर प्लीज।